दोस्तों, क्या आपको एंटीलिया के इन बातों के बारे में पता है जो इसे दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट चीज बनाती है? कौन है ये फाइटर जिसने बिना हारे ले लिया संन्यास? एक ऐसा देश जहां पुरुषों की कमी से महिलाओं की नहीं हो पा रही है शादी। कौन है ये महिलाएं जो पूरी जिंदगी में एक बार ही नहाती है? ऐसे ही रोमांचक फैक्ट्स को जानते रहने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। तो हेलो गाइज, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 16, अगर आप एक दो दिन ना नहाए तो आपको कैसा लगेगा, और वो भी आजकल की गर्मियों में? दोस्तों, ये है नामीबिया में हिम्बा जनजाति की औरतें, जो अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही बार नहाती है, और वो भी अपनी शादी के दिन। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन्हें अफ्रीका में सबसे खूबसूरत औरत के रूप में देखा जाता है। बस यार, ये बात अब मेरे सर के ऊपर से निकल रही है। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 15, एक हमारा देश है जहां पुरुष महिलाओं की गिनती से बहुत ज्यादा है, पर वहीं ब्राजील का ये शहर नोविया दो कॉर्डेइरो बाकी जगहों से बहुत अलग है, और इसके बारे में सुनकर आपके भी मन में लड्डू जरूर फूटेंगे। दोस्तों, दरअसल इस शहर में पुरुषों की बहुत कमी है, और बहुत सारी सुंदर महिलाएं इस उम्मीद में उत्सुक बैठी है कि कोई पुरुष इनसे शादी कर ले। तो दोस्तों, क्या ख्याल है, जाएंगे इस शहर में या नहीं, मुझे कॉमेंट्स में बताओ। फैक्ट नंबर 14, बंदूक के दम पे तो आप बड़े आसानी से बैंक लूट लोगे, और अक्सर फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा, पर दोस्तों इस शख्स ने एवोकाडो नाम के एक फल से 2 बैंक लूट लिए। दरअसल बैंक लूटते वक्त इसने बैंक वालों को एवोकाडो दिखाया, और उन लोगों ने उसे बॉम्ब समझकर पैसे दे दिए। ऐसा करके उसने 2 बैंकों से $8,000 लूट लिए, और एवोकाडो वहीं पर छोड़कर आ गया। बाद में बैंक वालों को ये पता चला कि ये कोई बॉम्ब या ग्रेनेड नहीं बल्कि एवोकाडो फल था। सलाम है इसके दिमाग और जज्बे पर। दोस्तों, अगर इसकी कलाकारी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। फैक्ट नंबर 13, ये है हायनास। ये एक ऐसे जानवर हैं जो शिकार करने की ठान ले तो फिर अपने जंगल के राजा शेर को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, वजन और लंबाई दोनों में शेर इनसे 20 कदम आगे है, और अगर शेर और हायना अकेले अकेले भिड़ जाए तो हायना के जीतने का कोई चांस नहीं है। पर दोस्तों, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कभी मुमकिन भी है, क्योंकि हायना कभी भी अकेले नहीं घूमते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमेशा झुंड में पाए जाते हैं, और अगर किसी एक पर भी मुसीबत आती है तो बाकी के हायना बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए कूद पड़ते हैं। अब माना कि एक शेर ताकतवर होता है, दोस्तों इनकी दुश्मनी आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है, क्योंकि इन दोनों जानवरों का शिकार एक ही होता है, और इसी वजह से ये आपस में ही झगड़ते नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों माना कि बाल कटवाने में थोड़ा आलस जरूर आता है, पर ऐसा भी क्या आलस कि आप बाल ही ना कटवाएं? दोस्तों, ये है ट्रेन वैन है। इस शख्स का बाल दुनिया का सबसे बड़ा बाल था। 50 सालों से इन्होंने अपने बाल ही नहीं कटवाए। दरअसल जब ये 25 साल के थे तो बाल कटवाते वक्त बीमार हो जाने से इन्होंने खुद से वादा किया कि आज के बाद ये बाल नहीं कटवाएंगे, और वादे के मुताबिक इन्होंने कभी बाल नहीं कटवाए। इनके पूरे बालों का वजन 10 किलो था, साथ ही इनके बालों की लंबाई 22 फीट 3 इंच थी। इस अनोखे रिकॉर्ड के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम मौजूद है, पर आज ये दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि 23 फरवरी 2030 में इनकी मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपने देखा होगा कि आम तौर पर टायर्स काले ही होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी व्हीकल पर क्यों ना लगे हो, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? यहाँ तक कि रबर का रंग भी सफेद होता है तो टायर काले क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल दोस्तों, इसका कारण है ये केमिकल कार्बन ब्लैक। इसका इस्तेमाल एक फिक्स्ड केमिकल के रूप में किया जाता है, जिसे टायर बनाने में दूसरे पॉलीमर के साथ मिलाया जाता है, और जब ये कार्बन ब्लैक एक बार रबर से जुड़ जाता है तो ये टायर को बहुत मजबूत और स्टेबल दोनों बना देते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों गिनीज बुक में अपना नाम देखने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि जान भी दांव पे लगा सकते हैं। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी परीक्षा, पर जरा इस इंसान को ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये शख्स रिकॉर्ड बनाने के जुनून में अपने आप को दोनों हाथों और अपने दोनों पैरों को रस्सी से बांध देता है, और 4 अलग अलग तरफ से बाइक से खुद को खिंचवाता है। पर हैरत की बात तो ये है कि ये स्टंट को करने में सफल भी हो जाता है, और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लेता है। सलाम है इसकी मेहनत की प्रैक्टिस को, वरना अगर ये किसी एक आम इंसान ने करने की कोशिश की होती तो उसका एक हाथ एक तरफ और एक पैर दूसरी तरफ उकड़ के बाहर आ जाता। इस शख्स के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार। फैक्ट नंबर 9,
दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर लंदन या अमेरिका में नहीं है दोस्तों, ये घर है हमारे भारत के शहर मुंबई में। दोस्तों आप सभी ने 27 माले की बिल्डिंग को तो देखा ही होगा जिसका नाम है एंटीलिया, और ये घर और किसी का नहीं बल्कि अपना मोटा भाई मुकेश अंबानी का है। इसकी कीमत पूरे 15,000 करोड़ रुपए है। कितने लोग तो सोचते रह जाते हैं कि 15,000 करोड़ का इसमें क्या है, तो आइए आपको भी कुछ नमूने दिखा दे। इस एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर सिर्फ और सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जिसमें कि 160 कार्स आराम से खड़ी हो सकती है, और साथ ही एंटीलिया के छत पे 3 हेलीपैड भी मौजूद है। इस घर में मनोरंजन की हर चीजें मौजूद है, साथ ही दोस्तों एंटीलिया में एक सिनेमा हॉल भी है जहां 50 लोग बड़े आराम से मूवीज का आनंद ले सकते हैं। मुंबई में जहां 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी रहती है, वहीं एंटीलिया में एक कमरे का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस रहता है। हैरत की बात तो यह है कि ये 4 लाख स्क्वायर फीट का घर सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए है, और साथ ही इनके देखभाल के लिए इस एंटीलिया में इनके 600 नौकर चाकर भी रहते हैं। बाकी दोस्तों और भी इसमें बहुत कुछ मौजूद है जो इस घर को बहुत ही आलीशान बनाता है। फैक्ट नंबर 8, बूढ़ी दिखने वाली इस महिला को हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। ये है गूगल दादी, पर इनका असली नाम है सीतापति पटेल। इनकी उम्र 65 साल है। वैसे तो इस उम्र तक आते आते लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगती है, इतनी कमजोर कि वो अपने खुद के घर को पहचानने से इनकार कर देते हैं। पर गूगल दादी के साथ बिल्कुल उसका उल्टा है। इन्हें अधिकारी से लेकर विधायक और थाने से लेकर सैकड़ों तरह के जरूरी हेल्पलाइन नंबर मुंह जवानी याद है। 15-20-24-01 गूगल दादी का ये टैलेंट उन्हें देश भर में फेमस कर चुका है। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गूगल दादी की सराहना कर चुके हैं। किसी ने सही कहा है, टैलेंट तो भारत में गलियों गलियों में घूमता रहता है। फैक्ट नंबर 7, अक्सर आपने ये देखा होगा कि पेड़ों के नीचे पेंट किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों पेड़ों के निचले वाले हिस्से को कीड़ों से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, और पेड़ के ऊपर वाली लेयर फटने और टूटने से बच जाती है। साथ ही इन पेड़ों को कलर करने का एक मतलब और है दोस्तों, ये कलर दर्शाता है कि यह पेड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और जो इसे काटने की कोशिश करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। फैक्ट नंबर 6, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने के लिए बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ग्रुप ने अपने एक मेंबर के सपने को पूरा करने के लिए किया कुछ ऐसा कि आपके होश उड़ जाएंगे। इस ग्रुप का नाम है अनबीटेबल बॉम्बे। इस ग्रुप में स्लम एरिया में रहने वाला विकास नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी मौत डांस के एक स्टेप को परफॉर्म करने में हो गई। विकास का ये सपना था कि उसका ग्रुप अमेरिकाज गॉट टैलेंट जीते, और उसके लिए उसके ग्रुप ने 2019 में हिस्सा लिया और वो हार गए। पर अगली बार 2020 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट को जीतकर उन्होंने अपने मेंबर विकास का सपना साकार कर दिया, और साथ ही देश का नाम रोशन कर दिया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों मिलिए खबीब नर्मागोमेदोव से। दोस्तों इन्हें UFC के किसी फाइटर ने आज तक रिंग में नहीं हराया है। रशिया के फाइटर खबीब का जन्म 20 सितंबर 1988 में हुआ था। UFC टाइटल जीतने वाले ये पहले रशियन और पहले मुसलमान थे। मार्शल आर्ट्स का ये बेताज बादशाह आज तक एक भी मुकाबला हारा नहीं है, पर UFC के 29 मैच बिना हारे खबीब ने अब UFC को अलविदा कह दिया। खबीब हर मैच जीतने के बाद हमेशा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि अल्लाह ताकतवर है, और उनके मदद से ही आज वो यहाँ है। साथ ही हर मैच जीतने के बाद वो ऊपर की तरफ देखा करते थे। अगर इस फाइटर के बारे में सुनकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फैक्ट नंबर 4, जरा इन जनाब को देखिए। दोस्तों मांस काटने वाले चाकू से ये जनाब लोगों के बाल काट रहे हैं। ये बिल्कुल पागलपन है। ये डरा देने वाला काम पाकिस्तान के बॉस हेयर सलून में अंजाम दिया जाता है। पूरी दुनिया में ये सलून इस बड़ी छुरी से बाल काटने के लिए मशहूर है, और इस तरीके से बाल काटने वाले हुनरबाज शख्स का नाम है अली। बाल काटने से पहले अली इस चाकू को गर्म करते हैं, और फिर जो करते हैं वो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, इस डरावने तरीके से बाल कटवाने के बाद भी दुनिया भर से इंसान वापस इनसे बाल कटवाने आते हैं। क्या आप इनसे बाल कटवाना चाहते हैं, हाँ या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
फैक्ट नंबर 3, दोस्तों मिलिए पीटर स्कॉट मॉर्गन से। 62 साल के पीटर ब्रिटेन के वैज्ञानिक है। इस शख्स को मोटर न्यूरॉन नाम की एक बीमारी है और इस घातक बीमारी की वजह से इनकी मांसपेशियां बर्बाद होती जा रही है। इस बीमारी से तंग आकर पीटर ने अपने आप को दुनिया के सबसे पहले साइबॉर्ग में बदल लिया और अब पीटर आधे इंसान और आधे रोबोट है। शरीर में लगाई हुई मशीनों की मदद से पीटर हर वो काम कर लेते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है। सच में दोस्तों आज हमारा विज्ञान कहां से कहां तक पहुंच चुका है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों करेंसी का नाम जवान पर आते ही इंडिया का नाम बहुत पीछे रह जाता है क्योंकि यूएस के मुकाबले इंडिया की करेंसी बहुत कम है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया की करेंसी दुनिया की सबसे छोटी करेंसी है। पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी करेंसी कौन से देश की है? वेल, दुनिया की सबसे छोटी करेंसी है इराक की रियाल, जिसकी भारत के 1 रुपए की कीमत 571 रियाल के बराबर है और 1 यूएस डॉलर्स की कीमत 40,000 रियाल के बराबर है। दरअसल इराक देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है और यहाँ सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पैसा है, जिसकी वजह से यहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी कम है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, पर गरीब मरना सरासर आपकी ही गलती है, क्योंकि ताकत और दिमाग से तो दुनिया जीती जा सकती है। ऐसी ही कहानी है मुंबई की मान्या सिंह की। 2020 में मिस इंडिया तो नहीं पर रनर अप आकर इन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। इनके पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे और बड़े होकर घर की हालात को देखते हुए मान्या ने भी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया था, जिससे वो 15,000 रुपए कमा लेती थी और घर की कुछ मदद भी कर पाती थी। पर इनका सारा ध्यान अपने लक्ष्य मिस इंडिया बनने पर लगा रहता था। मान्या सिंह ये कहती है कि जब भी वो अंदर से टूटने वाली होती थी कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तब वो खुद को ये बोलकर कि मान्या बस 2 कदम और, ये बोलकर वो खुद को संभाल लेती थी और अपने लक्ष्य पर डटी रहती थी। हमें भी मान्या की तरह परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अगर आप इसी तरह अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।